हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क, क से कमल, ठीक है। फिर पढ़ा था ख, ख से खरबूजा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग। ग से क्या होता है? गमला। ग से क्या होता है? गमला, जिसमें हम पौधा लगाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गमला बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है गमला, गमला, ठीक है। ग से क्या बनता है? गमला। ओके, चलो मैं बताती हूँ कि आपको आपकी नोटबुक में ग कैसे लिखना है। आपको आपकी थ्री लाइन करनी है, यहाँ पे 1 2 3 लाइन करनी है। फिर यहाँ पे ऊपर आपको 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे ऐसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन करनी है ऐसे, फिर इसको राउंड कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे अगेन एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया आपका ग। ओके, ये क्या बन गया आपका? ग, ग से गमला। फिर यहाँ पे अगेन आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके राउंड कर देना है। फिर यहाँ पे अगेन स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया आपका ग, ग से गमला। इजी है ना? खाली स्टैंडिंग लाइन करके राउंड कर देना है। फिर यहाँ पे अगेन स्टैंडिंग लाइन कर देनी है, ऐसे ही आपको नीचे यहाँ पे लिखना है। इजी है ना ग से गमला बनाना, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन स्टैंडिंग लाइन राउंड, फिर स्टैंडिंग लाइन ग, ठीक है। ये आपको ऐसे ग, पूरा पेज आपको ऐसे ग लिख के कंप्लीट करना है। ओके, बिग बड़ी लाइन में आपको लिखना है, ये इस लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। देख रहे हो ना मैंने कैसे नीट एंड क्लीन लिखा है, वैसे आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। ना इस लाइन से बाहर ऊपर निकलना चाहिए ना नीचे। ओके, तो ये आपका हो गया ग से गमला। अब क्या आएगा? घ से घर। अब देखो घ से क्या होता है? घ से घर भी होता है, घ से घड़ा भी होता है। मैंने यहाँ पे घड़ा ड्रॉ करा है। घ से आप घर भी हो सकता है, घ से घड़ा भी हो सकता है। हर उससे अलग अलग शब्द बनते हैं, जैसे क से कबूतर, क से कमल, है ना, ख से खरगोश, ठीक है। ख से खग होता है, ख से हमने पढ़ा था खरबूजा भी होता है, वैसे ही सबसे अलग अलग बनते हैं। यहाँ पे घ से आप घड़ा भी बोल सकते हो, घ से घर भी बोल सकते हो, तो अलग अलग बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, घ लिखना है आपको। यहाँ पे आपको लिखने थ्री लाइंस करनी है, 1 2 3 लाइंस करनी है, उसके बाद घ लिखना है। घ भी इजी है, जैसे हमने घ देखा था बनाना, वैसे हम घ देखते हैं कैसे बनाना है। देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे कर्व करना है, फिर अगेन कर्व करना है और फिर ये स्टैंडिंग लाइन कर देनी है। ये बन गया घ। ओके, ऐसे, फिर ऐसे और फिर स्टैंडिंग लाइन घ, ऐसे, फिर ऐसे और फिर स्टैंडिंग लाइन घ, ऐसे, फिर ऐसे, स्टैंडिंग लाइन घ। ओके, ऐसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन घ, ऐसे स्टैंडिंग लाइन घ, और स्लीपिंग लाइन करनी है ऊपर, पूरे में करनी है ना घ। इजी है घ बनाना, घ से घड़ा। ओके, चलो अब हम देखते हैं। देखो क से कमल हमने देखा, ख से खरगोश देखा, फिर क्या देखा था? घ से गमला देखा, अब क्या देखा? घ से घड़ा। अब क ख ग घ, अब क्या आएगा? इड, इड़ा आएगा। इड़ा से क्या होता है? इड़ा से कुछ बनता नहीं है, खाली होता है। जैसे हमने अ आ देखा था, अ आ ई ई उ ऊ री, फिर ए ऐ ओ औ अंग और अहस, मीन्स क्या होता है? खाली होता है ना, वैसे ही ड मीन्स खाली होता है, ठीक है। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से गड़ा, ड मीन्स खाली, इससे भी कुछ नहीं बनता है। अब देखो आपकी नोटबुक में आपको ड कैसे बनाना है। अगेन आपको यहाँ पे थ्री लाइन्स करनी है, 1 2 3, और उसके बाद ये बिग लाइन में आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर आप लोग इंग्लिश में जैसे एस बनाते हो ना, वैसे आपको एस बनाना है यहाँ पे। ओके, ये बन गया हमारा ड, और यहाँ पे एक आपको पॉइंट करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन करनी है। ओके, ये बन गया हमारा ड, सबसे ईजी है ना। यहाँ पे आपको स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर एस बनाते हो वैसे आपको ड बनाना है, फिर यहाँ पे आपको पॉइंट करना है, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, अगेन स्मॉल लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर एस जैसे बनाना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट करना है, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन, अगेन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, एस, स्लीपिंग लाइन, पॉइंट। ओके, ईजी है ना,
खाली एस की तरह आपको बनाना है। यहाँ पे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन कर दो, फिर एस बना दो, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन कर दो, यहाँ पे पॉइंट करना है आपको। ओके, यहाँ पे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, एस पॉइंट, ये बन गया हमारा ड़ा मीन्स खाली। तो हमने क्या पढ़ा, ग से गमला, घ से घड़ा और ड़ा मीन्स खाली। ठीक है, आपको ये आपके नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में तीनों वर्ड्स लिखने हैं और अच्छे से कॉपी डाउन करने हैं। ओके, आगे फिर हम लोग छ आगे देखेंगे। यहाँ तक आपकी वन लाइन कंप्लीट होगी, क ख घ घ ल। ओके, आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी डाउन कर देना। थैंक यू।